हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेके नील। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कमाल के 8 टिप्स जो है आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर तो हर किसी के मोबाइल में अवेलेबल है आज के दिन में। तो उसी गूगल प्ले के 8 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपको गूगल प्ले को और अच्छी तरीके से यूज़ करने में, मैं इस वीडियो में आपको सारे टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो जैसे आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर ओपन करेंगे दोस्तों, आप कोई भी ऐड को लेटर ऑन यूज़ के लिए आप उसको विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आपको वो एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ देर बाद कभी आप वाईफाई में वगैरह कनेक्टेड हुए तभी आपको इंस्टॉल करना है, तो एप्लीकेशन को आपको फिर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आपको उस एप्लीकेशन को सिर्फ ओपन कर देना। ओपन कर देने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके ऐड टू विश लिस्ट पे आपको उस एप्लीकेशन को ऐड कर देना है। जैसे आप उस एप्लीकेशन को ऐड करेंगे, कहीं आपको वाईफाई को वगैरह कनेक्ट करेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे विश लिस्ट में जाके उस एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको दोबारा उस एप्लीकेशन को ढूंढने की या कहीं पे नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन को विश लिस्ट में डाल के बाद में इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी नया ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, हर कोई एप्लीकेशन को उसके डार्क मोड पर एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपने गूगल प्ले स्टोर को भी इन डार्क मोड पे ओपन कर सकते हो। हाँ दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर में भी ये फैसिलिटी है। आपको करना क्या है, सिर्फ ये 3 लाइन्स पे क्लिक कर देना है और नीचे जाते हुए आपको जाना है नीचे। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में दोस्तों। हाँ दोस्तों, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे थीम पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे डार्क मोड पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको डार्क मोड पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये डार्क मोड पे अपने गूगल प्ले स्टोर ऑन हो चुका। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको आईज को वगैरह इन नाइट में अगर आप प्ले स्टोर वगैरह यूज़ करते हो तो आपको आईज को ये इफेक्ट नहीं करेगा। ये वीडियो की क्लियरिटी के लिए मैं इसको लाइट मोड पे ही वापस से कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे के पास कोई मोबाइल देते हो, आप एक जीमेल आईडी क्रिएट करके उसको एक प्ले स्टोर ओपन करके दे देते हो, तो अगर इस प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में दोस्तों 18+ के बहुत सारे एप्लीकेशन है और बहुत सारे गेम्स है जो आपके बच्चों के लिए सही नहीं है, तो आपको ये सेटिंग बहुत हेल्पफुल करेगा। आप अगर अपने बच्चे से कोई एप्लीकेशन 18+ का एप्लीकेशन ओपन होने से बचाना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी आपको एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पे यूज़र कंट्रोल पे आपको पेरेंटल लॉक इसको ऑन रख देना है। ये जैसे आप पेरेंटल लॉक ऑन रखेंगे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा आपको, जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे सेट करना चाहते हो। देखिए मैं यहाँ पे ये पासवर्ड फिर से सेट कर देता हूँ, एक सेकेंड में। यहाँ पे मैंने पासवर्ड कंफर्म कर दिया और इसको जैसे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखिए सेट कंटेंट है, यहाँ पे आपको कंटेंट सेट करना है कि कौन सी से कंटेंट आपको बच्चे के लिए सही नहीं है। वो कंटेंट्स वगैरह इस एप्लीकेशन को जैसे आप इसको ऑन रखेंगे ना दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन 18+ का वगैरह होगा ना, तो वो एप्लीकेशन आपके बच्चे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे बिना इस पासवर्ड के। तो ये पासवर्ड बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों आपके बच्चे के लिए, जो आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि जो भी यूज़फुल नहीं उनके लिए अच्छे एप्लीकेशन है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आप कोई मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो अगर आप ये जानना चाहते हो आपका मोबाइल ओरिजिनल है या फेक मोबाइल है, हाँ दोस्तों प्ले स्टोर के वजह से आप ये भी जान सकते हो कि आपका मोबाइल वेरीफाइड है या नहीं। आपको सिर्फ करना क्या है, ये 3 लाइन्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों। नीचे जाते हुए स्क्रॉल करते आपको फिर से एक बार सेटिंग में जाना है और नीचे जाना है। एकदम नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन डिवाइस इज सर्टिफाइड। हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो डिवाइस है ना, ये सर्टिफाइड डिवाइस है या नहीं, ऑफिशियल डिवाइस है या नहीं, ये गूगल प्ले स्टोर आपको बता देगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पब्लिश या
प्रॉपर लॉन्च होने के पहले आप उस एप्लीकेशन को अर्ली लॉन्च कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए लोगों ने लॉन्च किया हुआ रहता है, इन सब एप्लीकेशन को प्रॉपरली पब्लिश नहीं किया हुआ रहता है। ये अर्ली एक्सेस पे आप ये देखिए, आपके प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे स्क्रोल साइट में करते हुए यहाँ पे अर्ली एक्सेस पे जाना है। जैसे आप अर्ली एक्सेस पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन और गेम्स जो अभी तक प्रॉपरली सर्टिफाइड पब्लिश नहीं हुए। हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद एक फैसिलिटी आती है, आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी की आपको कोई एप्लीकेशन को ओपन करना है तो यहाँ पे एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करना है एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, तो आपको सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी पे आना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन हुए, आपको एक पर्टिकुलर शॉपिंग का कैटेगरी के एप्लीकेशंस को विजिबल करना है तो शॉपिंग के आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे सिर्फ जो शॉपिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन है वही ओपन कर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप एक पर्टिकुलर आपका जो भी क्राइटेरिया उसमें आपको सेट करके आप उन एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और एक चीज़ है दोस्तों, ऑटो अपडेट। ये ऑटो अपडेट आपको बहुत तंग करता है, कभी कभी मोबाइल के बार बार ऑटो अपडेट के लिए आ जाता है। इसको आपको ऑफ कैसे कर देना, आपको फिर से सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे ऑटो अपडेट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक करके डन कर देना। या अलावा आपका मोबाइल डेटा कभी कभी ऑटो अपडेट में मोबाइल खींचता है तो आपको सिर्फ इस चीज़ को वाईफाई भी सेट कर सकते हो। जैसे आपका वाईफाई पे कनेक्ट होगा डिवाइस तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट्स लेता रहेगा। तो और एक चीज़ है दोस्तों, इसके अलावा आप अगर आपका एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन हो, आपका मोबाइल कहीं पे बहुत दूर है लेकिन आप उस मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, आपका जो भी डिवाइस होगा, आपका लैपटॉप होगा या पीसी में लॉग इन कर लेना, आपका जो ईमेल आईडी उस मोबाइल में साइन इन है उस आईडी से उस लैपटॉप में या पीसी में आपको लॉग इन करना है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर आपके लैपटॉप में ओपन कर देना है, उसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे तो वो डिवाइस का या डिवाइस पूछेगा किस डिवाइस पे आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप एक पर्टिकुलर डिवाइस पे इंस्टॉल करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को, तो पर्टिकुलर डिवाइस को सेलेक्ट करके उसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका पासवर्ड पूछेगा एक बार फिर से, तो उसका जो जीमेल आईडी का पासवर्ड है दोस्तों उसको आपको डाल देना वहाँ पे। जैसे आप ओके क्लिक कर देंगे उस डिवाइस में जैसे ही इंटरनेट ऑन होते जाए हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वो डिवाइस कहीं पे भी हो दोस्तों वो एप्लीकेशन उस डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो में जो भी मैंने टिप्स बताए, कुछ टिप्स तो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों, अगर यह कुछ चीज़ें आपको पता नहीं था तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या क्या चीज़ें आपको पता नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा था, वीडियो को एक लाइक कर दो अच्छा सा, और अगर चैनल पे नए हो तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।